गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण का कार्य अब तेजी पकड़ता दिख रहा है। जहां तक पिछले दिनों विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की रूपरेखा नहीं क्लियर थी, अब वहीं इसका पूरा मैप तैयार है और काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या है, कैसे है और किस जगह पर क्या होना है, यह पूरी तैयारी मंदिर प्रशासन ने कर ली है और जल्द ही यह सामने होगा। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण का सपना सरकार ने देखा और इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए दोनों सरकारें जी जान से जुट गईं। हम इस वक्त ललता घाट पर उस जगह पर मौजूद है जहां से इस विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत होनी है। लगभग 800 मीटर लंबे इस कॉरिडोर की पूरी रूपरेखा तैयार है, नक्शा तैयार है और अब माना जा रहा है कि कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मकान खरीदे गए हैं उनका ध्वस्तीकरण तेजी से हो रहा है। आज हम आपको आगे लेकर चलेंगे और इस कॉरिडोर के रास्ते में क्या कैसे होने वाला है इसकी एक जानकारी देंगे। अब हम ललता घाट से आगे बढ़े हैं और इस वक्त मौजूद हैं ललता घाट से आगे जो लोहरी टोला का इलाका है, वहाँ आप देख सकते हैं कॉरिडोर का काम रफ्तार पकड़ रहा है। जो घर और मकानों में मंदिर थे वो बाहर आ रहे हैं और मंदिरों को संरक्षित करने की प्रशासन बात तो कर रहा है, लेकिन यहाँ कई मंदिर अभी टूटे हुए भी दिख रहे हैं। हम आपको आगे कुछ रास्तों में दिखाएंगे। जैसे ही आपको मकान टूटे हुए दिख रहे हैं, इन रास्तों में प्रशासनिक दावों की अगर बात करें तो भक्तों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय और गेस्ट हाउस और इसके साथ प्रसाद काउंटर और रेस्ट रूम की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की जाएगी। यानी प्रशासनिक दावों की जो बात हम करेंगे वो भक्तों की सुविधा इस कॉरिडोर में पूरी तरह से रहेगी। पहले जो परियोजना बनी थी उसके हिसाब से हम लोग को कुल 296 ऐसे मकान क्रय करने थे, जिसमें से 13 ऐसे मकान थे जो सार्वजनिक थे जिनको क्रय नहीं किया जाना था, और जो अराउंड 279 मकान थे उसमें आधार पर हम लोग ने अभी तक वर्तमान में 182 मकान क्रय कर चुके हैं, जो पहले लोगों को, तीर्थयात्रियों को, दर्शनार्थियों को गलियों के अंदर कठिनाइयों से और बड़ी तंग गलियों से घंटों लाइन में लगकर उनको दर्शन करने पड़ते थे। इस परियोजना की समाप्ति के पश्चात जो भी हमारे दर्शनार्थी दूर दराज से देश विदेश से आ रहे हैं उनको बहुत ही आसानी से, सुगमता से और जितनी भी पब्लिक इम्यूनिटीज होती हैं, कन्वीनियंसेस होते हैं उनके साथ उनको बहुत ही सुलभ दर्शन प्राप्त होंगे। और इस पूरी परियोजना में विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्राचीन धरोहर है जो इस पूरी परियोजना में ध्वस्तीकरण के उस प्रांत निकल के आ रही हैं उनको भी संरक्षित करके और उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके साथ साथ एक पूरा उसमें नया वाचनालय और अन्य प्रकार के म्यूजियम्स, मेडिटेशन सेंटर्स, कल्चरल सेंटर्स और कुछ आपकी एक कमर्शियल शॉप्स भी, जो दर्शनार्थियों को जो भी आवश्यक सामग्री होती हैं उनको खरीदने के लिए वो भी उसमें बनाई जाएगी एक व्यवस्थित ढंग से। उसके लिए एक विश्व स्तरीय कंसल्टेंट ऑलरेडी हम लोगों ने हायर कर लिया है और उनका डिजाइन आने के पश्चात उसमें तेजी से निर्माण कार्य शुरू होगा। तमाम प्रयासों के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर को जो लेकर एक मूर्त रूप है उसका नक्शा तैयार होने के बाद, उसमें काम शुरू होने के बाद, आज हम आपको ललता घाट से शुरू किए जहाँ से इसकी शुरुआत होनी है लोहरी टोला और उसके बाद अन्य मोहल्लों से होते हुए हम इस समय विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के पास पहुंच चुके हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर विश्वनाथ मंदिर का रास्ता है, क्योंकि जो खरीदे गए मकान हैं, लगभग 200 मकानों की जो रजिस्ट्री हुई है उनमें से 120 मकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, जारी है काम। इस वजह से रास्ता भी आप देख सकते हैं बंद है और यहीं पर कॉरिडोर का एक मूर्त रूप जो इसी रास्ते से है वो सामने आने वाला है। हो सकता हो कि हम जो ये सामने वाला घर देख रहे हैं उस घर में शौचालय और उसके साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, यानी भक्तों के रेस्ट रूम और भक्तों के बैठने की व्यवस्था, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की गई हैं उसमें इसी कॉरिडोर में रास्ते रास्ते पर भक्तों को दुकानें मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें प्रसाद से लेकर माला फूल इत्यादि सभी चीज़ें मिलेंगी और जो भी दुकानें टूटी हैं जिन लोगों की उनको भी दुकानें देने की बात प्रशासन कह रहा है। यानी यह जो पूरा 800 मीटर का जो कॉरिडोर का पूरा रूप है वह जल्द दिखने वाला है, क्योंकि काम शुरू हो चुका है। जो कार्यदायी संस्था है जिसको काम ये दिया गया है वह इसमें काम में तेजी भी ला दी है और हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में इन मकानों के ध्वस्तीकरण के बाद आपको कॉरिडोर का एक मूर्त रूप दिखने लगे। गोपाल मिश्र, ETV, वाराणसी।